हेमा मालिनी ने कहा, धर्म जी के घर में कदम नहीं रखा, ना उनकी बीवी से मिली। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्रीज के सबसे एवरग्रीन कपल में से हैं। दोनों को देखकर कई तरह की बातें भी सामने आती रहती हैं। दोस्तों, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी 1980 में हुई। उस समय उनकी शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी और उनके 4 बच्चे भी थे, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल का जन्म पहले ही हो चुका था जिस समय हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की। उस समय जितेंद्र भी हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। दोस्तों, हेमा मालिनी ने कहा कि वह कभी भी धर्मेंद्र के घर नहीं गई। उनकी शादी के बाद वह उनकी पहली पत्नी से कभी नहीं मिली। हो सकता है कि वह उनसे कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में मिली हों, लेकिन धर्मेंद्र से शादी के बाद वह उनसे कभी नहीं मिली। दोस्तों, हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो कुछ भी किया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने एक पिता की बखूबी भूमिका निभाई है, जैसे कोई पिता निभाता है। मुझे लगता है कि मैं इससे खुश हूँ। आज मैं एक कामकाजी महिला हूँ और मैं अपनी गरिमा बनाए रखने में सक्षम हूँ। दोस्तों, हेमा मालिनी ने कहा कि वे प्रकाश कौर का बहुत सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रकाश के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। दोस्तों, हेमा ने यह भी बताया कि उनकी बेटियां धर्म जी के परिवार का बहुत सम्मान करती हैं। ईशा ने कहा था कि वह बॉबी और सनी को राखी भी बांधती हैं।